नमस्कार, मैं हूँ सुमश्री विश्वास और आज मैं लेके आई हूँ रोज़ेला फ्रूट की दो तरह की चटनी, एक कुक्ड वाली और एक अनकुक्ड वाली। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने रोज़ेला प्लांट को अपने घर ही में उगाया है और उसमें फ्रूट भी आ गया है, रेड कलर का और येल्लो उस पर फ्लावर होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्रूट्स होते हैं और इन फ्रूट्स से मैं बनाने वाली चटनी। तो पहली चटनी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको धो के ब्लंच कर लिया है मैंने ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना रहे। और उसके बाद जो रोज़ेला फ्रूट का जो पेटल्स है उसको मैंने निकाल कर मिक्सी के जार में डाल दिया है और इस पर मिलाऊंगी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई मिर्च। और क्योंकि हम ये खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं तो इस पर जाएगा 2 टेबलस्पून जैगरी गुड़ डालने से ये खट्टी मीठी टेस्ट हो जाएगा। और इस पर 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और इस पर मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। और अब बस इसको ग्राइंड कर लेना है, कोई पानी वानी नहीं मिलाना है। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है और हमारा चटनी भी बिल्कुल बनके तैयार हो गया। चलिए इसको बोल में निकाल लेते हैं। झटपट बन जाती है ये चटनी और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप एक बार बना के देखिए, इसको आप बार बार बनाना चाहेंगे। और इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है। ये हमारी चटनी नंबर 1 बन के तैयार। अभी दूसरी चटनी बनाएंगे उसी तरह से हम धो के ब्लंच कर लेंगे अपने रोज़ेला फ्रूट को और उसका भी पेटल निकाल लेंगे और अलग से रखेंगे। अभी कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है, इस पर 1/4 टीस्पून साबुत जीरा डाला है और उसको चटकने देंगे। उसके बाद इस पर मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार और उसके बाद हल्दी हम मिलाएंगे 1/4 टीस्पून और अब हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फ्राई होने के बाद जो हमने रोज़ेला फ्रूट का पेटल्स निकाल के रखा हुआ था उनको इस पर मिला देंगे और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अब इस पर मिला देंगे 1/4 टीस्पून कटी हुई मिर्च और अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते रहेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इस तरह से देखिए ये पिघलना स्टार्ट हो रहा है। और इसी टाइम में हम 1 टेबलस्पून इस पर चीनी डाल देंगे और चीनी के साथ 2 टेबलस्पून इस पर पानी भी मिला देंगे। और इस तरह से हम सब सामग्री के मिलाने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़े से पकाने के बाद ही आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो पेटल्स है इस तरह से बन के तैयार होगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद करीब हमारा 2 मिनट के बाद ये रोज़ेला चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो गया। बहुत ही मतलब माउथ वाटरिंग है, मैं तो बोलते बोलते मेरे मुँह में पानी आ जा रहा है। अब इन दोनों चटनियों को ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।